हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेट जो है अब ओवर हो चुका है और सभी लोगों के जो है मार्क्स भी उनके सामने होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके मार्क कितने कितने आ रहे हैं और आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। और इस वीडियो में हम जो है ख़ास तरीके से बात करेंगे कि गेट का जो नेचर है वो कैसा है और वो कितना एक बेरहम एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम आपका हो चुका है तो आपको अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको एनालाइज़ करना चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी अगर आप जो है उसकी समीक्षा नहीं करेंगे कि आप जो है इस कंडीशन में हैं, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि गेट एक बहुत ही मर्सीलेस एग्ज़ाम है। ठीक है, गेट इज़ मर्सीलेस। क्यों है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग जो है सोचते हैं कि यहाँ पे जो है हम 10-10 घंटे करके 10-10 घंटे पढ़ के मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, तो उसके बाद जो है हमारा गेट एग्ज़ाम हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क आएंगे। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मेहनत का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो साल साल भर डेली जो है केवल 4 घंटे 3 घंटे पढ़ते थे लेकिन बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और क्विक रिएक्शन जो है काम करता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी और क्विक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन काम करता है। जिसका क्विक रिएक्शन है वो क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा। इवन अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको पता है कि ये कंसेप्ट यहाँ पे लगना है। ठीक है, लेकिन आप क्विक नहीं है, ठीक है, तो भी आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है एवरेज मार्क आपके आ जाएं जो कि PSU या आपको जो भी ड्रीम रहे शायद उसको फुलफ़िल ना कर पाएँ। तो इसके बाद मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि हमें कब डिसीजन लेना चाहिए कि गेट एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं है या फिर हमें जो है गेट एग्ज़ाम से क्विट करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको मैक्सिमम आपको 3 अटेम्प्ट के बाद आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको गेट जो है क्विट करना है। जैसे कि आप सपोज कीजिए, अब आप सोचें कि 3rd अटेम्प्ट में आप केवल 3 मार्क से रह जाते हैं या फिर 2 मार्क से रह जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करें, तो उस केस में आपको जो है ये इंडिकेशन है कि आप अब पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके लिए अब एकदम परफेक्ट टाइम है कि आप पूरा का पूरा साल केवल एक एग्ज़ाम के लिए ना दें। ठीक है, एक एग्ज़ाम के लिए पूरा का पूरा समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इतने मार्क आ रहे हैं फिर 2-3 नंबर से आप PSU के लिए रह जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको पूरे साल एक ही एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करना है। आप गेट के लिए लास्ट के 3 महीने में, ठीक है, लास्ट के थ्री मंथ्स के लिए आप रिवीजन करें। ठीक है, लास्ट 3 मंथ ही रिवीजन करना है, क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। ठीक है, और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है या फिर कुछ फिर से कुछ हो जाता है तो आप गेट एग्ज़ाम को क्विट कर दीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम आपकी 3 अटेम्प्ट्स होने चाहिए, चाहे वो अपेयरिंग लगा के दें आप, ठीक है, या फिर आप अगर ने नहीं दिया है तो उसके बाद आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप पास आउट होने के बाद 2 अटेम्प्ट। ठीक है, और विद फाइनल ईयर, यानी अगर आप फाइनल ईयर में, तो 3 अटेम्प्ट आप मान के चलिए क्योंकि उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। ठीक है, वैसे भी 62-63 की एज के आसपास जो है सभी लोग रिटायर होते हैं, तो आप सोच सकते हैं आपकी एज कितनी जा रही है, अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से भी फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आपको देनी है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि गेट एग्ज़ाम जो है वो क्यों एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम मैं नहीं मानता। ठीक है, तो गेट एग्ज़ाम जो है वो एक रिसर्च लेवल एग्ज़ाम है। ठीक है, रिसर्च लेवल एग्ज़ाम, यानी कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे लेवल का आता है और ये रिसर्च लेवल के एग्ज़ाम्स मैं मानता हूँ ये है। ठीक है, तो रिसर्च लेवल से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे रिसर्च लेवल से मेरा मतलब है कि ये MTech, ठीक है, ISC बेंगलोर, ठीक है,
और DRDO और BARC या और कोई भी रिसर्च वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए इसका कंपलसरी आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी PSUs के लिए ठीक है अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम ही लेना चाहिए, ये मेरा मानना है ठीक है। इंडिविजुअल एग्ज़ाम ऑल अदर PSU ठीक है, ऑल अदर PSUs को अपने इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेना चाहिए ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं खुद PSU में काम कर चुका हूँ ठीक है। तो वहाँ पे PSU में आपकी जो आपने जो पढ़ा है ठीक है, और जो गेट गेट का तो खैर भूल ही जाइए, अगर आपने जो फाइनल ईयर तक फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो भी पढ़ा है उसका 10% ही केवल यूज़ होता है ठीक है, 10% भी यूज़ नहीं होता है। इनफैक्ट केवल वहाँ का जो एल्गोरिथम है वो आपको पता करना होता है कि कहाँ पे क्या वॉल्व वगैरह कैसे है, वॉल्व कैसे ऑपरेट करना है, पूरा कंडीशन लाइंस को ट्रेस करना आपको आना चाहिए ठीक है। तो बस वही गिनी चुनी चीज़ें वहाँ पे जो सिखाई जाती हैं, आपको थोड़ा टाइम बेशक लग सकता है, जैसे पेट्रोकेमिकल है या रिफाइनरी है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आपको चीज़ों को ग्रैब करने में, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और अगर आप फर्टिलाइज़र या किसी और उसमें हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। तो ये हो गई बात हमारी कि क्यों हर एक PSU को अपने इंडिविजुअल एग्ज़ाम जो है लेना चाहिए, क्योंकि गेट जो है एक रिसर्च लेवल एग्ज़ाम है, ये आपको समझना चाहिए, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है गेट। तो किसी भी PSU को अपना अलग एग्ज़ाम लेना चाहिए, और उससे एक और फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल एग्ज़ाम से एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। सपोज कीजिए गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर गेट में अगर आपका क्वेश्चन पेपर ख़राब हो गया, यानी एग्ज़ाम ख़राब हो गया ठीक है, तो आपका पूरा एक साल गया ठीक है, एक साल आपका जो है पूरा गया आपका एक साल ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो इसलिए अगर ONGC, IOCL, NTPC, HPCL जितनी भी PSU सब अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम कराएंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो जो जैसे कि सपोज कॉमन क्या होता है कि एक ही बच्चा अगर हर एक PSU के लिए सेलेक्ट हो रहा है ठीक है, तो वो सारे PSU में तो जाएगा नहीं, तो बाकी जो PSU है तो कुछ वेटिंग निकालती है या फिर नहीं निकालती है, हर एक PSU वेटिंग निकालती भी नहीं है वैसे, तो वहाँ पे जो है क्लैरिटी रहेगी और हर एक को मौका जो है मिलेगा, और जो वैकेंसीज हैं वो फिल की जा सकेंगी। तो एक तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी ठीक है, और गेट का जो डोमिनेंस है वो ख़त्म होगा ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका, मैं आपके लिए बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो 6-6 साल से ठीक है, 6-6 साल से गेट एग्ज़ाम जो है तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ काफ़ी ख़राब कर चुके हैं ठीक है, गेट एग्ज़ाम देते देते उनकी लाइफ जो है काफ़ी बर्बाद हो चुकी है ठीक है। तो उन्होंने जो है सही टाइम पे सही फ़ैसला नहीं लिया और वो अभी भी इसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी उनमें से समझ उनको उन लोगों को आ गई है और वो जो है मूव ऑन कर गए हैं, अदर एग्ज़ाम्स की तरफ चले गए और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं वहाँ पे ठीक है। तो राइट थिंग ये है कि आप 3 अटैम्प्ट के बाद जो है ठीक है, 3 अटैम्प्ट के बाद आप अदर एग्ज़ाम्स में जाइए, जैसे कि बैंकिंग है ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, SSC एग्ज़ाम्स हैं ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट इसमें होती हैं ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम है, SSC एग्ज़ाम है, 1-day PSU एग्ज़ाम तो आपको देनी ही है क्योंकि वो भी अच्छी जॉब्स हैं, 1-day PSU एग्ज़ाम जो होती हैं जो अपना अलग पेपर करा रही हैं ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप MTech अगर आपकी कॉल आती है तो आप उसको कर लीजिए ठीक है। इसके फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ से एक तो प्लेसमेंट आपका वहाँ से हो जाएगा, उसके एक अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप डिसेंट किसी IIT से MTech कर रहे हैं और अच्छी आप CGPA वहाँ पे लेके चलते हैं, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वहीं से आपका एक अच्छी कंपनी में ठीक है। और कभी कभी तो चांस ये भी रहता है कि PSU में भी हो जाता है, जिनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा CGPA वगैरह रहता है तो उनका PSUs में भी हो जाता है ठीक है, तो अच्छी कंपनी प्लेसमेंट हो जाता है आपका। इसके अलावा आपको 2 साल मिलते हैं आपको, और कोई और एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप
इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, साथ के साथ आपको थोड़ा पैसा भी मिलता रहता है, शायद 12,400 वगैरह आपको पैसा मिलता है, तो उससे आप अपना जो है खर्चा भी निकाल लेंगे और आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और 2 साल किसी नए एग्ज़ाम के लिए तैयार करते रहेंगे। साथ के साथ आपको क्या करना है कि अगर आपके जो है आपको लगता है कि अभी भी मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ गेट, तो आप क्या कीजिए, लास्ट के 2-3 महीने ही, ठीक है, लास्ट के 2 से 3 मंथ आप जो है तैयार कीजिए, पूरी साल बर्बाद मत कीजिए। अगर इतने में होता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चों के लिए जो PSU में चले गए, ठीक है, लेकिन उनकी पसंद की PSU वो नहीं थी, तो वहाँ पे केवल अपने टाइम पास कर रहे थे, और उसके अलावा फिर वो लास्ट के 2 महीने जो है पढ़ा, एक लड़का मैं जानता हूँ उसको, तो लास्ट के 2 महीने वो पढ़ा और अच्छी रैंक लेके आया है, ठीक है, इस बार जो है वो 11वीं रैंक लेके आया है, 11वीं रैंक लेके आया है, ठीक है, तो 2 महीने लास्ट के पढ़ के भी इतने अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। अगर आप पहले जो है 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं और आपने सिंसियरली पढ़ाई की है, तो 2 महीने लास्ट के पढ़ के भी 11वीं रैंक लाई जा सकती है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे ही मैंने आपको पूरा ये बताया है कि आप यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैटर करती है, और साथ के साथ आपका क्विक कितना रिएक्शन है, आपका रिएक्शन कितना तेज आता है कि हाँ अब मेरे को अगला स्टेप ये करना है, क्वेश्चन में ये करना है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों में अच्छे हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम 110% निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई, और दूसरी बात लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव। मैं कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ कि बेशक उनकी एज, ठीक है, एज फैक्टर थोड़ा बेशक हो गया है उनका, लेकिन उन्होंने थोड़ा लेट मूव ऑन करा है, ठीक है, लेट मूव ऑन करा है, लेकिन वो नई जगह गए हैं, यानी उन्होंने मूव ऑन करके नए एग्ज़ाम के लिए तैयार किया है, उन्होंने वहाँ पे इतना एक्सीलेंट रिजल्ट दिया है, ठीक है। वो जो है इंस्पेक्टर हैं उसमें IT डिपार्टमेंट में, जो SSC के थ्रू एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसमें जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे, आप सोच सकते हैं, और बहुत अच्छी पावरफुल पोस्ट होती है वो, और बहुत अपनी लाइफ से खुश हैं। तो हो सकता है डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा हो, डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा हो, ठीक है। इसलिए हमेशा स्माइल करते रहिए, कभी भी परेशान जो है मत होइए। आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुश रहना है, दुखी नहीं होना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक रिप्लाई दूंगा, जो भी मुझे लगेगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी बच्चे ने पूछा है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, ताकि वो अपनी जो है होप को बरकरार रख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और खूब इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, इस चैनल को आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, थैंक यू।